बस आपका सुनो स्वागत है। मैं आपका दृष्टिकांत और आप देख रहे हैं टेक्स्ट रीड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V70 के बारे में। वीवो V70 प्रो हमने इससे पहले देखा था भारत में, लेकिन वीवो V70 अभी तक हमारे भारत में लॉन्च नहीं किया। तो अभी ये लॉन्च होने वाला है और बहुत कुछ इसमें खास होने वाला है। इसमें सब कुछ देखने वाले जो कि आपको पता होना चाहिए इसके लेने से पहले। इसको परफॉर्मेंस देखेंगे, बैटरी देखेंगे, कंपेरिजन देखेंगे, सब कुछ देखने वाले, प्लस गिव वे भी होने वाला है। और गिव वे के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़े चैनल और इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में गिव वे के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को आई व्यू प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले, जिसका साइज होने वाला है 6.44 इंचेस, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। तो सुपर अमोलेड डिस्प्ले बहुत ही अच्छा व्यूइंग करेगा, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि अभी तक हमने सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखा था लेकिन आई व्यू प्लस डिस्प्ले नहीं देखा था। तो ये जो आने वाला ना व्यू V70 बहुत ही धमाकेदार डिस्प्ले होने वाला है। इसका ऐसा डिस्प्ले होने वाला है कि बहुत ही खास डिस्प्ले होने वाला है। आप जब भी इस पर व्यूइंग करोगे ना, आपको अलग से ही इसमें देखने को लगा। ओवरऑल इसकी डिजाइन की बात करो, आपको पंच होल में आपको डिजाइन दे यहाँ पर सेल्फी का कैमरा देखने को मिलेगा। कितना मतलब तो बताने वाला हूँ। अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पर आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6750 का SoC का चिपसेट, जो कि हमने पहले भी ऐसे अलग अलग फ़ोन में देखा था इस चिपसेट को, जो कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करता है। इससे पहले भी हमने देखा था वीवो V70 प्रो में देखा था और बहुत कुछ जो भी है ना मोबाइल फ़ोन उसमें देखा था। बहुत ही लेटेस्ट चिपसेट और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता। बात करूँ इसकी प्रोसेसर, आपके ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है। और GPU की बात करूँ यहाँ पर ग्राफिक्स की, तो आपको 6.2 का GPU देखने को मिलने वाला है। तो ग्राफिक्स इसमें चालू है सिक्योर मोड, जो कि हमने पहले भी देखा था। बहुत ही खास ये GPU है, तो परफॉर्मेंस तो बेटरी करने वाला है, ये तो कोई बात वाली बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चिपसेट है ना, इससे पहले भी बहुत मोबाइल फ़ोन में देखा था कोई भी लेटेस्ट काम करता है ये चिपसेट, ठीक है। तो बात करते हैं अभी कैमरे की। कैमरे की बात करूँ तो आपको रियर में 4 कैमरे देखने को मिलने वाले V70 में, जो कि फर्स्ट कैमरा होना 48 मेगापिक्सल क्वालकॉम और सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल और 22 मेगापिक्सल के दो कैमरे यहाँ पर दे चुके हैं। सबको अलग अलग फंक्शन होने वाले, जो फर्स्ट कैमरा वाइड लेंस के लिए होना, सेकंड कैमरा है जो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मोड के लिए होना, एक कैमरा डेप्थ सेंस के लिए, एक होना वाला माइक्रो लेंस सेंस के लिए। जो भी आप दूर की फोटो खींचोगे तो आपको अल्ट्रा वाइड मोड में वाइड मोड के खींचना पड़ेगा, अल्ट्रा वाइड मोड के लिए दूर की ऐसे करने के लिए, और जो माइक्रो लेंसेज है आपके छोटे जो इमेज होती है उसका कैप्चर करने के लिए छोटे और माइक्रो लेंसेस होने वाले। अभी बात करते हैं सेल्फी कैम। सेल्फी के कैमरे की बात करूँ तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ साइड में आपको सेंटर में नहीं अभी साइड में देखने को मिलने वाला है। तो जो भी है ना, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो करेगा, आप देख भी सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और ये आउट ऑफ स्टॉक तो होने वाला है, ये तो कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टॉक ही होने वाला। अभी बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 वेरियंट देखने को मिल सकते हैं, जो कि है फर्स्ट 8GB रैम और 64GB रोम, और सेकंड वेरियंट 8GB रैम और 128GB रोम, और इसे आप 256GB तक एक्सपांडेबल भी कर सकते हो। डेडिकेटेड स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टोरेज की कोई चिंता करने के बाद, क्योंकि आप एक्सपांडेबल अच्छे से इसको कर सकते हो। बात करते हैं इसकी पावर की, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को पावर देने के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी 4500 mAh की बैटरी डाली हुई है, और इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिला, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आप पर देखने को मिला, जिसका इंक्लूडिंग आपको मिलने वाला। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप फास्ट इसको चार्जिंग कर सकते हो। 4500 mAh की बैटरी दी, इसके लिए यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिला। तो प्राइस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिलने वाले 25,000 में मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग हो सकता है। अभी अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये होने वाला है। ओवरऑल बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आप पर फ्रंट में फिंगरप्रिंट डिस्प्ले में आप पर देखने को मिला, और यहाँ पर टाइप पोर्ट की बात करूँ तो आप पर सी टाइप पोर्ट आप पर देखने को मिला। 3.5 mm का जो हेडफोन जाके आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन है ना बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करने का वाला है, ये तो बात है डेफिनेटली, ये बात पता नहीं की बात ही नहीं। बहुत ही परफॉर्मेंस के लिए, बैटरी के लिए, कैमरे के लिए, जो कुछ भी है ना इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा डाला है, और डिस्प्ले जो भी जो कुछ इसके जल्दी से आप खरीदोगे, क्योंकि आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। की बात करूँ तो आपको क्यूवी में बता दूँ, अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यू आते और 1,000 लाइक आते तो मैं गिव अवे डेफिनेटली करने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा सबसे पहले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और एक ही कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, जो कि बहुत अच्छा कमेंट लगेगा, मैं उसको एक गिव अवे कर दूंगा डेफिनेटली। इसके लिए अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दो,
और बोलो कमेंट करो, वो भी जो भी मुझे अच्छा कमेंट लगाएंगे उसको मैं डेफिनेटली गिव अवे करूंगा, और गिव अवे की जानकारी आपको जो कि है ना मैं पिन कर दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, वहां पर ही आपको मिलेगा 10 10 हज़ार व्यू होने के बाद। तो इसके लिए इस वीडियो को अपने जो भी ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी इसको शेयर कर सकते हो डेफिनेटली शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही कंपलसरी है। जो भी आप कमेंट कर दोगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप इस गिव अवे में एलिजिबल नहीं होने वाले। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको सब्सक्रिप्शन करना ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपके वीडियो पसंद आएगा, फोन भी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।